वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपॉड की, और साथ में हमने आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ के बारे में बताना है। अब जो आर्थ्रोपॉड होते हैं वो कौन कौन से हैं और डिजीज़ ट्रांसमिशन इनमें कैसे कैसे है, तो ये सारा कुछ आज देखेंगे। हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट 15 है मेरे ख्याल आर्थ्रोपॉड, मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास है 14, ठीक है। 14 को जो है हमने देखना है, मॉस्किटो है पहले पहले, इसमें जो डिजीज ट्रांसमिशन है वो मलेरिया, फ्लेरियल वायरल इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरल फीवर, डेंगी, वेस्ट नाइल वायरल हेमरेज फीवर्स, येलो फीवर, डेंगी हेमरेज फीवर, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। एंड से शुरू कर लेते हैं। एंड में हमारे पास हैं कॉकरोचेस। कॉकरोच के बारे में तो आप सबको पता होगा क्योंकि मेजॉरिटी इनसे डरती है, ये उड़ते भी हैं और मतलब बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे इतना नहीं लगता इनसे, बट डरते हैं लोग, ठीक है। कॉकरोच में ट्रांसमिशन कौन सी है, इंटरेक्ट पैथोजन। उसके बाद हमारे पास है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स में हमारे पास गैनिया वॉर्म डिजीज़ और इसके अलावा फिश टैप वॉर्म। साइक्लॉप्स में जुएनिया वॉर्म डिजीज़ और फिश टैप वॉर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है इच माइट स्कैबीज, इच माइट स्कैबीज, और जो है ट्रॉम्बी क्यूलेट माइट, ट्रॉपी क्यूलेट माइट आती है, और जो है स्क्रब्स टाइफस, स्क्रब टाइफस आ जाता है, ट्रिकेट स्टाइल पॉक्स आ जाता है हमारे पास, और जो है और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टिक, ठीक है। सॉफ्टिक में क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, ये आ जाता है हमारे पास। हार्टिक, हार्टिक में आता है टिक थाइमस, और इसमें हमारे पास आता है वायरल वायरल इंसेफ्लाइटस। उसके बाद आता है हमारे पास वायरल फीवर्स, उसके बाद आता है वायरल हेमरेज फीवर, और फिर हमारे पास क्यास्मर फॉर्सेट डिजीज़ आती है। उसके बाद हमारे पास टुलेमरिया आ जाता है, और टुलेमिया के बाद हमारे पास आता है टिक पैरालिसिस और ह्यूमन बेबिनोइसिस। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेडियोविड बग, इसमें जो है चैगस आ जाता है, चैगस डिजीज़, ब्लैक फ्लाई, ओंको सीरेकियासिस, और उसके बाद जो है हमारे पास आता है रेड फ्लेयर। रेड फ्लेयर जो होता है, रेड फ्लेयर में हमारे पास आता है इसमें ब्यूबोनिक प्लेग, एंडेमिक टाइफस, चिग्रोसिस, और इसके बाद हमारे पास आता है हाइमेनो लेपिस डी मिन्यूटा, एच वाई एम ई एन ओ एल ई, ठीक है। हेमैनिलो, हेमैनिलो पी आई एस डी आई पी डी एम आई एन यू टी ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लाउस, एल ओ यू एस ई, एपिडेमिक टाइफस है, रिलैप्सिंग फीवर हो जाता है, ट्रेंच फीवर हो जाता है, और इसमें आ जाता है पेडिक्यूलोसिस। उसके बाद हमारे पास आता है टसीट्स फ्लाई, इसमें हमारे पास आती हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास सैंड फ्लाई, काला अजार ओरिएंटल सोर सैंड फ्लाई फीवर और या फीवर, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में आता है टाइफॉइड, पैराथायराइड और फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, गैस्ट्रोइंटाइटिस, मेबाइसिस और हेलमिंथिक इन्वेस्टेटेशंस, ठीक।
ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी इशू हो तो ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।